निजानो एक पल चैन ना आवे, निजानो एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना सोनिया नी तेरे बिना। मतलब क्या बताएं, गा देता नहीं। कि दुनिया के मेला में काहे तू हमसे छोड़ा बोले हाथ रे, खूंटा उखड़ गईल बा गैया के, खूंटा उखड़ गईल बा गई दिहाले, इतना दूर माई हमरों के सांगे ले ले चलते, ले चलते अपने साथ रे। और व्हाट्सएप कॉलिंग, व्हाट्सएप आपको नेट के माध्यम से इसका आपको इसका टिकट बुकिंग करा सकते हो। हमारे करीब 10 जगह पटना में स्टॉल भी लगेंगे, इसको हम लोग प्रचार भी करवा रहे हैं। गाना बजाना तो होगा ही, इसके साथ साथ अपने लाइफ को कैसे इंजॉय कर सकते हैं अपने परिवार के साथ, वो सारी व्यवस्थाएं होगी। डॉक्टर की व्यवस्था है, पूरी तरह से सुरक्षा की व्यवस्था है, और ये सारा चीज़ ये बालाजी रिसोर्ट, श्री बालाजी रिसोर्ट जगदेव पथ में लोहिया पथ, जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, यहीं पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह सबसे बड़ी बात है, ये पूरी कार्यक्रम फैमिली कार्यक्रम है, इसमें किसी तरीके का कोई जो अभद्र की जो बात कही जाती है वो कहीं कुछ नहीं है। बहुत ही पहली बार इस कार्यक्रम को हम लोगों ने जो अरेंज किया है, बहुत ही शुद्धता चीज हमारा जो इवेंट है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो आपको चाहिए शुद्ध शाकाहारी भोजन, बच्चों के लिए खिलौना, हमारी महिलाएं जो माताएं बहनें वो उनके लिए नेल पेंट, मेहंदी, ऐसा कुछ होगा। देखिए हमारे यहाँ जो कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं ये कार्निवाल है, यहाँ करीब 20-25 तरह के स्टॉल लगे रहेंगे बच्चों के लिए कई, और ये सारा चीज़ एकदम बिल्कुल सात्विक माहौल में आपके साथ हम लोग खुद ही रहेंगे, हम लोग की फैमिली खुद ही रहेगी, तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह का कार्यक्रम होगा। हमें सलीलता परोसने के बाद मज़ा नहीं आता है, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, और ख़ास करके बिहार और पटना की जनता से हम आग्रह भी करेंगे कि आप एक बार जरूर, अगर आप अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहते हैं, नए साल का जश्न मनाना चाहते हैं, तो माहौल बहुत ही बेहतर होगा, और ख़ास करके अगर आयोजन, देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक लंबे समय से हम लोग सबसे पहले तो अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देंगे, धन्यवाद देंगे कि उन्होंने एक ऐसी बीमारी को हम लोगों से दूर कर दिया है, पूरे बिहार से शराबबंदी हुई है, और उस शराबबंदी में खास करके देखा यह जा रहा है कि एक एम्बियंस जो है बनाने में, हालांकि वो गलत आदत है लेकिन एम्बियंस बनता था, अब जो है उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फैमिलियर एटमॉस्फेयर में कैसे हम अपने इवेंट्स को या जो भी हमारा पर्व त्यौहार है, खुशियां मनाते हैं, तो कैसे लोगों के साथ जुड़ें, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक ऐसा गेट टुगेदर का कार्यक्रम रखा है जिसमें पूरी तरह से आप फैमिली के साथ आ सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारी व्यवस्था है, बाकी इसके लोग तो बताएंगे ही, लेकिन जिस तरह से आप अपने परिवार के साथ बैठ करके सुन सकते हैं, देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, वो सारा माहौल है। आप अपने परिवार के साथ आइए, बच्चों के साथ आइए, और ख़ास करके मेरे यहाँ जुड़ने का मतलब ही वही हो जाता है कि आप पूरी तरह से सात्विक माहौल में आएंगे, और बच्चों के लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएँ की गई है, वो आप लोगों को ब्रीफ किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों मेरे अगल बगल में जो बैठे हुए हैं, ये दोनों स्टार, इनको तो आप जानते ही हैं, अभी तुरंत इन्होंने सुर संग्राम जीता है, और ये सूफी सहित जो हिंदी गाने हैं उसके बहुत ही बेहतरीन गायक हैं, मैंने सुना है दोनों को, और दोनों को मुझे लगता है कि लंबे समय से आशीर्वाद भी रहा है, सरस्वती का भी आशीर्वाद रहा है। ये लोग मिल करके एक ऐसा आयोजन करना चाहते हैं जो उन लोगों के लिए होगा जो ये कहते हैं कि सलीलता परोसने के बाद मज़ा नहीं आता है, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, और ख़ास करके बिहार और पटना की जनता से हम आग्रह भी करेंगे कि आप एक बार ज़रूर, अगर आप अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहते हैं, नए साल का जश्न मनाना चाहते हैं, तो माहौल बहुत ही बेहतर होगा, और ख़ास करके अगर कृष्णा सिंह कल्लू की बात करें तो आप सभी जानते होंगे
मीडिया में छाए रहते हैं, लेकिन इसके साथ इनकी एक और स्पेशलिटी भी है कि ये अरेंजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, तो पूरी टीम काम कर रही है। और बाकी के कलाकारों से आप लोग जो क्या कुछ प्रवेश शुल्क होगा और क्या कुछ टिकट का दर होगा, दर पे कितने लोग प्रवेश करेंगे, ये तो कृष्णा जी बताएंगे। हमारा भी सवाल है, जिस तरीके से अभी माहौल ये बना हुआ है कि जो बिना शराब का जो हम लोग हैं पार्टी नहीं मना सकते या उस तरीके का माहौल हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, तो आप उस तरीके का क्या कर सकते, क्या करेंगे जो कि अपने परिवार के साथ या अपने बच्चों के साथ ही यहाँ आकर के जो है अपने अपने खुद को इन्जॉय कर सकते हैं। मेरी वो वेशभूषा आप देख रहे हैं ना, इससे आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा? देखिए, हमारे यहाँ जो कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं ये कार्निवाल है, यहाँ करीब 20-25 तरह के स्टॉल लगे रहेंगे बच्चों के लिए, कई तरह के फन हैं, गाना बजाना तो होगा ही, इसके साथ साथ अपने लाइफ को कैसे इंजॉय कर सकते हैं अपने परिवार के साथ, वो सारी व्यवस्थाएँ होगी, डॉक्टर की व्यवस्था है, पूरी तरह से सुरक्षा की व्यवस्था है, और ये सारा चीज़ एकदम बिल्कुल सात्विक माहौल में आपके साथ हम लोग खुद ही रहेंगे, हम लोग की फैमिली खुद ही रहेगी, तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह का कार्यक्रम होगा। 1 जनवरी से पहले आप 25 जनवरी को इस तरीके का पार्टी आप फैमिली पार्टी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि शराब से कहीं ना कहीं हट करके जो है ये पार्टी को इन्वाइट कर सकता है? अरे शराब से अलग हटिए ना हुजूर, काहे शराब का नाम ले रहे हैं, आप इतना ही समझ लीजिए कि गंगाजल से बढ़िया कुछ भी नहीं है, आप पी करके तो देखिए। सभी लोगों को प्रणाम, और गार्जियन हमारे अभिभावक विजय मिश्रा बाबा जी, ट्रिनिटी कॉन्वेल के तरफ से एक अच्छा मेला का आयोजन किया गया है जो सभी परिवार जो हैं पटना में, खासकर बिहार पटना जहां पे यह कार्यक्रम हो रहा है, आपको देश विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं, वह हर चीज हमारा जो इवेंट है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है जो आपको चाहिए, शुद्ध शाकाहारी भोजन, बच्चों के लिए खिलौना, हमारी महिलाएं जो माताएं बहनें वो उनके लिए नेल पेंट, मेहंदी, 35-40 तरह का जो वैरायटी है, साउथ इंडियन, चाइनीज फूड का अनलिमिटेड मॉकटेल वगैरह का व्यवस्था किया गया, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बीच ऐसे एक कलाकार हैं जो बिहार के लाल सुर संग्राम जीते हैं, और हम चाहेंगे कि सबको ताली भी इनके लिए एक बार मार दिए, राहुल जी हैं, राहुल पांडे जी हैं, और अमित सिंह अम्मी जो कई शो इन्होंने मुंबई में किया है, और इनकी पूरी टीम जो आ रही है पटना पहली बार, जो आर्टिस्ट आ रहे हैं, एंकर होंगे, पूरे जो म्यूजिशियन के जो बैंड होंगे, सभी के सभी जो लोग होंगे सब मुंबई से आर्टिस्ट आ रहे हैं, और बहुत अनोखा और पहली बार पटना में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, और हम चाहेंगे कि अमित जी के लिए भी एक बार ताली हल्का थोड़ा हो जाए ताकि मनोबल बढ़ता है भाई कलाकार का, और निश्चित तौर पे अब चाहेंगे कि दो शब्द। और सवाल है कि पटना में बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं, अगर हम बात करें तो अन्य इवेंटों की, तो बहुत ही महंगे दर पे उसके टिकट बिक रहे हैं, 6,000 से 7,000 रुपए रखे गए, आपके शो में क्या कुछ दर रखे गए टिकट का, कितने लोग प्रवेश? हमारे शो में मात्र 2500 रुपए की एंट्री फीस है, उसमें सबसे बेनिफिट है वाइफ हस्बैंड और दो बच्चे जो हैं अंडर 10 ईयर, और कपल के लिए सिंगल है आपको 1500 रुपये, जो कि सभी होटल पटना में लगभग 5,500-6,000 रेट रखे हैं, और आप लोग से आग्रह करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाइए ताकि बिहार के जो लाल हैं उनका मान सम्मान के साथ साथ हमारा भी इवेंट का नाम रोशन हो। वो स्थान जो है यही बैंक्वेट हॉल है पूरा अपना, ये बालाजी रिसोर्ट, श्री बालाजी रिसोर्ट जगदेव पथ में लोहिया पथ, जहाँ पे हम लोग बैठे हैं यहीं पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, और यह सबसे बड़ी बात है ये पूरी कार्यक्रम फैमिली कार्यक्रम है, इसमें किसी तरीके का कोई जो अभद्र की जो बात कही जाती है वो कहीं कुछ नहीं है, बहुत ही पहली बार इस कार्यक्रम को हम लोगों ने जो अरेंज किया है बहुत ही शुद्धता के साथ, और व्हाट्सएप कॉलिंग, व्हाट्सएप आपको नेट के माध्यम से इसका आपको इसका टिकट बुकिंग करा सकते हो, हमारे करीब 10 जगह पटना में स्टॉल भी लगेंगे, इसको हम लोग प्रचार भी करवा रहे हैं फिलहाल, और कॉन्टैक्ट करके टिकट के लिए ये हमारा ऑफिस कॉन्टैक्ट नंबर हम लोगों को दिया हुआ, कॉन्टैक्ट करेंगे, नंबर बता दिया कि लोगों को जानना टिकट लेना हो तो कौन सा स्टिकर लगा, नंबर एक स्टिकर, वो कौवा से भोजपुरी में सवाल हुई जी, का कहा तनी एक नया आयोजन में आवत है, क्या कुछ खास दे हम लोग? हम तो बहुत खुश बनी, और ये हमारे फैमिली है और फैमिली का एक छोटा सा हिस्सा है,
और बाबा के और भैया का आशीर्वाद आज से ना हमने के बहुत लंबा टाइम से मिल रहा बा मार्गदर्शन में काम करीला बाबा के और वही बतावल रास्ता पे आज भी चलीला। और कंडीशन तो हमारे आप लोगों के पता ही हुई सुर संग्राम के जितना भी सफ़र 10 साल लागल इस संघर्ष 10 साल से चलता और मम्मी के सपना 10 साल से रहे कि एगो अच्छा गायक बनी अच्छा चीज़ गा के। खराब चीज़ तो आज के डेट में सब लोग गावता तो बीच में मम्मी छोड़ के चल गई कंडीशन ऐसा भल कि मन ना कैलस के छोड़ छाड़ दी ना जाई लेकिन फिर भी एगो हंसता चेहरा माई के याद आवत रहे कि नहीं बाबू कब तू अच्छा गायक बनब कब तू जीत जीब। ऑडिशन में तो बहुत सारा रियलिटी शो कैले बनी हमारे याद भी नहीं के कितना रियलिटी शो कैले बनी और सबके प्यार भी मिलल बा लेकिन हमारा मम्मी के सपना रहे कि हम विनर कब बनी अपना बिहार के नाम रोशन कब करी। तो वो पल चूँकि मम्मी तो देख ना पैली लेकिन जहाँ भी बाड़ी हम ये सपना लेके गईनी और बहुत दिन रात मेहनत कैनी हो जा कई दिन खाना ना खैनी चाय पी पी के लेकिन अपन संगीत के प्रति एकदम ऑनेस्टी पूरा हृदय से माई के नाम लेके और दिन रात मेहनत कैनी। और आप लोग पूरा मीडिया वाला पूरा श्रोता और बिहार के जितना भी माता लोग बा जितना भी भाई बंधु पिता लोग बा सबके आशीर्वाद मिलल सबके हम बहुत बहुत धन्यवाद देना धन्यवाद दिल चाहत नी। और इतना बड़ आयोजन हो रहा बा और इतना शुद्धता वाला आयोजन हो रहा बा तो हमारा कहीं शब्द नहीं थे आप लोग खातिर बस का ज़्यादा कहीं शब्द नहीं थे। और आप लोग विनर बनेनी और ये आयोजन के हम बहुत बड़ा हिस्सा बानी और गुरु जी के आशीर्वाद बा और भैया का आशीर्वाद बा तो आप लोग भी आई और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आई और 31 तारीख के यह बैंकेट हॉल वाला जी बहुत धूम हुई बहुत मस्ती हुई बहुत बहुत सारा सूफियाना भी सुने के मिली बहुत सारा भोजपुरी भी बहुत अच्छा अच्छा गाना सुने के मिली। तो बस आप लोग आई यह आग्रह बा आप लोगों से बालाजी बैंकेट हॉल में सूफियाना और भोजपुरी का तड़का लग रहा है। जी जी रवे को सुना दे वो गाना वायरल भइल बा माई के ऊपर ही गाना बाटे वो हमके मिलल रहे काफी वायरल भइल वो हम गा दी गुरु जी कि अचरा छोड़ के चल काहे दिहले इतना दूर माई अब के बबुआ बबुआ कही के हमके पास बोला आई तोरा बिन जी कैसे तोरा बिन जी कैसे तोर बऊ रहवार माई तोरा बिन जी कैसे तोर बऊ रहवार माई। ए में 2 लाइन हमारा फेवरेट बा जोन कि हमारे के बहुत मतलब का बताई गा दे तारी कि दुनिया के मेला में काहे तू हमसे छोड़ा बोले हाथ रे हमरो के सांगे ले ले चलते अपने साथ रे खूंटा उखड़ गईल बा गैया के खूंटा उखड़ गईल बा गैया के अब रहुला कहाँ जाई रे माई अब रहुला कहाँ जाई तोरा बिन जी कैसे तोर बऊ रहवार माई। ने पूछा कि ट्रिनिटी है क्या तो बड़ा जी तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ट्रिनिटी का मतलब त्रिशूल होता है और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं मैंने जो शुरू में कहा है और जब हम शुरू से कहता होता नहीं वो यह बात रहे कि त्रिशूल के मतलब है कि पूर्णता सात्विक और महादेव के कृपा से यह कार्यक्रम के हमने के सफल बनावे की कोशिश करी जा पूरे बिहार और पटना के लोग से हमारा आग्रह हुआ। इस बार एक खास आयोजन में पहुंच रहे हैं क्या कहें
शोज तो बहुत सारा किए हैं देश विदेश, और अपने बिहार को कई मंचों पे गौरवान्वित भी महसूस कराए हैं। और ये हमारे लिए भी बहुत प्यारा एक मोमेंट होगा कि ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल होने जा रहा है पटना में पहली बार, क्योंकि देश विदेश में हम लोग देखा करते थे कि अलग अलग प्रकार का इंटरटेनमेंट जो है काइंड ऑफ इंटरटेनमेंट एक ही जगह मिलता था, एक ही जगह जाइए आपको सब कुछ मिलता है, इसके लिए लोग मुंबई जाते हैं, फॉरेन जाते हैं एंजॉय करने के लिए। हमारे पटना में ऐसा फर्स्ट टाइम होने जा रहा है, तो हम लोग बस इतना ही चाहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि सपोर्ट करिए और ऐसा चीज़ हमेशा होता रहे। हम नहीं सब कराएं, ऐसा नहीं है, और ऐसा हम लोग का ये अभी शुरुआत है, और इससे भी बड़ा बड़ा शो अभी हम लोग माइंड में मतलब सेट करके चल रहे हैं, और ऐसा बहुत सारा ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग रेडी हैं। फरवरी में भी हम लोगों ने प्लान अभी शुरू किया है, इसको पहले हम लोग करते हैं और 31st नाइट को मनाते हैं बहुत शानदार, और नए ईयर का नए साल का एक शुरुआत करते हैं। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आइए इंजॉय करने के लिए। हमारा पूरा बैंड होगा इसमें, हमारा पूरा बैंड होगा, और हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी होंगे, हमारे राहुल भाई होंगे, हम लोग का साथ बहुत 10 साल से है, बाबा का आशीर्वाद साक्षात बैठे हैं हमारे बीच में, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे कल्लू भैया मतलब एक हम लोग फैमिली हैं, और कोशिश यही रहेगी कि इस शो को इतना सक्सेस बनाइए। आशीर्वाद बस आपका चाहिए, सपोर्ट बस आपका चाहिए। अभी जी 1 तारीख को दर्शक आपको हजारों की संख्या में सुनेंगे, पर आज भी थोड़ा दो वर्ड गुनगुना। हाँ बिल्कुल, जैसा कि भैया ने हमारा इंट्रोडक्शन कराया सूफियाना अंदाज में, सूफी गाता हूँ कव्वाली ज़्यादातर, क्योंकि पंजाब में रहा हूँ, पढ़ा हूँ, तो इंजीनियर भी हूँ, तो सूफियाना एक छोटा सा लाइन। दे नी मैनू कलियां जी नहीं लगना, नी मैनू कलियां जी नहीं लगना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सोने आनी तेरे बिना, साजरे जरे जरे जरे, नी जानो इक पल चैन नगाबे, नी जानो इक पल चैन नगाबे, सजना तेरे बिना, सोने आनी तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सोने तेरे बिना। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारा गायकी बहुत अच्छा लगता है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और लगातार 7 साल से बिहार सरकार के लिए भी काम करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सूचना जनसंपर्क में हम लोग कार्य करते हैं, और जहाँ भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी या फिर हमारे बिहार के महारथियों की जन्मतिथि या पुण्यतिथि मनाई जाती है, जिसमें कि हमारे महामहिम और माननीय मुख्यमंत्री उपस्थित होते हैं, आप लोग के आशीर्वाद से मैं भी वहाँ मौजूद रहता हूँ, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।